कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, देश व प्रदेश में अब कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसा सेनापति है जिनके बस में कुछ भी नहीं है, सेनापति खुद अपनी फौज को काटने में जुटे हुए हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी, सिंधिया, सचिन पायलट के बाद अब जगन रेड्डी भी पार्टी से बाहर हो चुके हैं। राहुल गांधी का एक्शन कांग्रेस को खत्म कर रहा है। कैबिनेट मंत्री आज अपने आवास पर जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों को हमने 4,868 कनेक्शन तो पहले ऑलरेडी दे दिए, जिनमें कोई 100-150 रह रहे हैं, बाकी लग गए जी। वो सारे वाटर पंप जो ये समर्सिबल थे 5 स्टार वो दे दिए। इसके बाद 5 स्टार 1471 हमने दे दिए, जहाँ कुछ लोगों की डिमांड थी कि जी हमें मोनोब्लॉक के कनेक्शन दे दो, उसमें 2 स्टार गवर्नमेंट अप्रूव वो दे दिया, ओल्ड जो है वो 3 स्टार दे दी। इसके बाद जो नए कनेक्शन पे दिए हमने, क्योंकि 5 स्टार बननी बंद हो गई, तो हमने ये कहा कि आप अपने मोटर्स अगर 3 स्टार लेते हैं, क्योंकि 5 स्टार ब्यूरो ऑफ एनर्जी तय करती है, वो बन नहीं रही तो 3 स्टार आगे कंपोजिशन वही है, सारी पूरी मशीनरी उसमें कहीं कोई फ्रॉक नहीं है, सारी वही है। तो हम कहने लगे कि ये आपको 3 स्टार अगर फार्मर्स की सहमति हो तो हम कर दें। जिन लोगों ने पहले हमसे ऑर्डर कर रखे थे 5 स्टार के, उसमें कोई 4200 हम पे मोटर्स और आ रहे हैं जो इस महीने के एंड तक आ जाएंगे, भाई एंड ऑफ अगस्त आ जाएंगे। और हम इसे आप ये समझें कि नवंबर के महीने तक सारे 4200 मोटरें फिर हम इंस्टॉल कर देंगे। जिन जिन के कनेक्शन है, जिन्होंने 31/12/2018 तक हम पे सारा जो पैसा जमा करा रखा है, वाटर पंप सेट के भी दे दिए जिन्होंने, जो रिमेनिंग केसेस हैं उनको सारों को, तो हमारे 4000 कनेक्शन 4200 कनेक्शन वो और दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 4 महीने में मिला के हम 10,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन दे देंगे, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे मुख्यमंत्री जी की और पावर मिनिस्ट्री की। देखिए, एक लाइन लॉस कम करते जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा है 1% लाइन लॉस कम होता है तो आप ये समझो कि हमारा 150 करोड़ रुपया डिस्कॉम का बढ़ जाता है, हमारा सेट बढ़ता है। अब तक हमने 14%, मतलब पहले 30 पॉइंट कुछ था, अब ये 17 पॉइंट कुछ है, तो हमने तकरीबन मोटा मोटा 14% हमने डिस्कॉम में इम्प्रूवमेंट करा है। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि अभी हमारी एक मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज श्री आर के सिंह जी, जो भारत सरकार के मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, वो उसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। चार चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे, बाकी हम सारे मिनिस्टर थे सब स्टेटों से। उसमें हमारी बार पहली बार उन्होंने हमें अप्रिशिएट करा, इसके लिए बधाई दी कि हरियाणा में हमने लाइन लॉस सबसे ज़्यादा कम करा है। इस बात की हमारी सब में खुले हॉल में उन्होंने तारीफ करी सभी के सामने। और फिर हमने कहा कि हमने इस लॉकडाउन में भी अपना प्रॉफिट नीचे नहीं आने दिया, घाटे में नहीं जाने दिया हमने डिस्कॉम को, इस बात की भी बधाई दी। और हमारा 780 करोड़ रुपया जो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए जो था वो उन्होंने किसी भी स्टेट को नहीं देके हमारा ओपनली अनाउंस करा कि मैं आपको 780 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से हमारे हरियाणा सरकार को उन्होंने दिया। जो मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने फ़ोन करा तो कहता आपका पैसा मैंने अनाउंस कर दिया, कभी भी ले जाओ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी हम कर रहे हैं बहुत गांवों का बोर जगमग योजना में ला रहे हैं, गांव में जाके बिजली पंचायत कर रहे हैं महीने के महीने हर जिले पे, उसमें लोगों को समझाया जा रहा है, मोटिवेशन किया जा रहा है, जिससे लाइन लॉस कम हो रहा है। तो लोग पढ़े लिखे बच्चे आगे आ रहे हैं कि हम बिल भरने का काम शुरू करेंगे। जिन गाँव में बिल नहीं भरे जाते थे उनमें लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में जहाँ 60% से कम लाइन लॉस था, वहाँ हमने एक पहले 4,500 गांव में तो हम 24 घंटे बिजली देते थे, उन 1,000 गांव में भी हमने एक गुडविल गेस्चर दिया है कि उनमें 12 से 4 बजे जो कट लगता था, एक 10 से 2, 2 से 6, तो जहाँ 60% से ऊपर लाइन लॉस है वहाँ तो कट लगते हैं, पर इन गांव में 12 से 4 हमने बिजली इंश्योर करी है कि 4,500 के अलावा 1,000 गाँव और हैं जिनमें दोपहर में 12 से 4 गर्मी के देखे हम कट नहीं लगाते। बिजली
जेलों की सुरक्षा को लेकर सर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, चाहे जेल अधिकारियों की बात की जाए तो संदिग्ध भूमिका भी रही है गुरुग्राम की बात की जाए जी, या जेलों में मोबाइल सिम मिलना तो या नशीला पदार्थ मिलना आम बात हो गई, जेल मंत्री हैं तो किस प्रकार आप निर्देश देंगे? देखिए आप हमारी एक बात सुने, आपने बहुत जेलों में सुना है कि साहब दीवार फांद के चले गए, नीचे से सुरंग बना के बाहर निकल के भागे। कई जेलों में ऐसा होता है कि जब मुलजम को लेके बाहर जाते हैं तो गेट पे इनकाउंटर हो जाता है और मुलजमों को छुड़ा के ले जाते हैं। हरियाणा में आज तक ऐसी सिंगल घटना भी नहीं हुई। मोबाइल एक इंडिविजुअल एक्शन है, कई बार होता है कि कोई आदमी अंदर के भी मिले होते हैं, जैसे हमारा एक डिप्टी स्टूडेंट था वो इस काम में लग गया था। अब किसी आदमी का देखिए एक्सेप्शन तो हर जगह है, किसी में भी कहीं हर जगह ही लैप्सिस हो जाते हैं। वो एक आध जगह ऐसा आया तो हमने तुरंत जो गवर्नमेंट का एक्शन होता है लॉ में जो करना चाहिए, हमने 6 घंटे में ही, क्योंकि वो सर्विलेंस पे था, ठीक मौके पे हमने उसे अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करके और उसके बाद 6 घंटे में हमने उसे जुडिशियल कस्टडी केस रजिस्टर करके जेल में भेज दिया। सब जगह हमने बड़ा और ज़्यादा सावधान कर दिएगा। सब स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली मैंने फ़ोन करके कहा कि भाई अपने में और ज़्यादा आप सावधानी करें, कहीं ऐसा मोबाइल नहीं निकलना चाहिए, अगर एक जिले में है तो दूसरी जेलों में इसे चेक करो, कोई है तो इमीडिएट उन्हें अरेस्ट करो और उन पर कार्रवाई करो। देखिए मेरा ये मानना है कि लोग जो हैं वो काम चाहते हैं, हर आदमी का अपना सेल्फ सेंटर्ड तो है ही, चाहे कोई भी है, कोई भी आदमी अपना स्वार्थ तो रखता ही रखता है। तो लोग समझदार और समझते हैं कि दिल्ली में दोबारा बीजेपी की सरकार आना, मोदी जी का अपना एक ग्लैमर, उनका जलवा, और फिर हमारे जब मुख्यमंत्री जी ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, जो हर रजिस्ट्री करो आप जाके एक बार कह दो, नहीं तो पहले चक्कर कटवाते थे कि जी आप कल आना परसों आना, नायब तहसीलदार देखते हैं मेरी ड्यूटी नहीं है, नायब साहब आ जाए नहीं फिर आना, लोग चक्कर काटते थे महीनों महीनों। अब यह है कि दफ्तर जाके आप अपना करा दो, आपका टाइम मिलेगा उस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, कोई कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ काफ़ी सर्विसेज का सब ऑनलाइन कर दिया, ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन कर दिया, तो कई बड़ी अच्छी प्रतिस्पर्धाएँ जो बहुत बढ़िया नई कन्वेंशन है वो आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हालात लग रहे हैं 2024 चुनाव लेकर? 100% चुनाव जीतेंगे जी, लिख लो हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की स्थिति कैसे लग रही है आपको, हरियाणा में या हो रहा है? देखिए मैं कांग्रेस पे नहीं जा रहा, सारा फोकस राहुल गांधी पे हो रहा है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसके कुछ बस का है ही नहीं, वो अपनी ही पार्टी का एक ऐसा सेनापति है जो अपनी ही फौज को काटने में लग रहा है। कभी शरद पवार को बाहर करा, फिर ममता बनर्जी को बाहर करा, फिर सिंधिया को बाहर करे, फिर सचिन पायलट को बाहर करा, हर आदमी कांग्रेस छोड़ता जा रहा है, कोई आदमी था ही नहीं। जगन रेड्डी चले गए, उनके वो कहते हैं ना ही विल फॉल विद हिज ओन एक्शन, उनके अपने एक्शन से सब खत्म होता जा रहा है। कल का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन था, राम भूमि पर भूमि पूजन हुआ, मैं कह रहा हूँ जी ऐतिहासिक दिन था। देखिए भगवान राम से मैं किसी को बड़ा नहीं मानता, मैं ये नहीं, मैं उसके लिए आर्गूमेंट देता हूँ, और दिवाली को एक त्यौहार की तरह ऐसा कहीं भी मैंने सारे घर पे दीप मालाएं होती है, पूरे देश में होती है, आज तक मुझे बता दो कोई और दिन ऐसा सेलिब्रेट होता है। तो भगवान राम तो बहुत बड़े थे, उनके लिए इस देश में बहुत श्रद्धा बड़ी। आप देखना जब ये मंदिर बनेगा, हिंदुस्तान की कोई औरत कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जो वहाँ जाके एक एक ईंट नहीं लगाएगा। हमारा बहुत बड़ा एक विश्वास का जो भव्य मंदिर है बनने जा रहा है, हर आदमी चारों धाम पे जाता है, कोई अमरनाथ जा रहा है, सारी दुनिया आएगी। बहुत एक अद्भुत आश्चर्यजनक कदम है जो सबको, सभी लोग इसका बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे जो कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे इमोशन सेंटिमेंट से सारा अपने आप को समर्पित करके इस काम को करा, वो बहुत बड़ा एक काम है।